सर, इस बार जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर देश का मान बढ़ाया है स्टूडेंट्स ने, और मैं कहूँगी 6 गोल्ड मेडल इंडिया के नाम हुए हैं, लेकिन उसमें से 5 स्टूडेंट्स सर एलन के स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास भी खड़े हैं, और इनको देख के भी लग रहा है कि गोल्ड मेडल लेने के बाद इनके चेहरे पर कितनी खुशी है। आप क्या कहेंगे सर, एक बड़ी अचीवमेंट है 6 गोल्ड मेडल में 5 एलन के स्टूडेंट्स होना? देखिए, एज ए टीचर, कोई भी अध्यापक हो, और मेरा तो पढ़ता था जब से पढ़ाने के अंदर ही फील्ड रहा है, उसके अलावा कुछ किया नहीं। तो एक टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी, इंटरनल जो खुशी मिलती है, वो इस तरह की परफॉर्मेंस से मिलती है। जिस भी फील्ड में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, जब वो इस तरह से गोल्ड मेडल जीतते हैं, टॉप रैंक्स लाते हैं, सेलेक्शन पाते हैं, तो एज ए टीचर बहुत खुशी होती है। तो मैं तो बहुत प्रफुल्लित हूँ, और मेरे ख्याल से एलन के हर मेंबर, जब से पता चला है, सभी बहुत खुश हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, सर IGSO के एग्ज़ाम के ना डिफ़िकल्टी लेवल ही ऐसा होता है कि मैं क्या समझूं कि निश्चित तौर पे ये भावी IITians भावी डॉक्टर्स होंगे, क्योंकि मुझे लगता है इनके लिए अब ये मुश्किल नहीं है, उन्होंने एग्ज़ाम का वो लेवल देख लिया है। ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये इनका मेन टारगेट तो IITian बनना है और फिर फ्यूचर में जाके फील्ड में जाके काम करना है, लेकिन ये सब बीच के पड़ाव हैं, और इसमें परफॉर्मेंस आने से हौसला बढ़ जाता है। इतने बच्चे जब इस तरह के IGSO एग्ज़ाम हैं, चाहे ओलंपियाड हैं, ये सब चीज़ों को देते हैं और इसमें इनका परफॉर्मेंस आता है, तो जो मेन टारगेट है उसके लिए इनका हौसला और बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर इन सबको यही कहूँगा कि मेन टारगेट है इनका IIT में जाना, और हम ये पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हैं, इन सबसे उम्मीद करते हैं कि जब IIT में जाना ही है तो टारगेट बनाते हैं सिंगल डिजिट रैंक से जाना। निश्चित तौर पर सर, जो आपने कहा है वो निश्चित तौर पे हो गया, और जब ये लोग IIT का एग्ज़ाम देंगे तो जैसे आपने कहा, ये सारे स्टूडेंट्स एक साथ खड़े होंगे, और मुझे लगता है कि वो दिन भी आएगा, और ये सब सिंगल डिजिट रैंक सेलेक्ट होंगे, ये हम शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, और हम भी इसके लिए जो भी करना होगा वो पूरे 100% एलन अपनी जान लगा देगा इस टारगेट के लिए। थैंक यू सो मच सर।